Hi friends, welcome to my channel. We started with the chapter peripheral devices from CS to 11th standard, and we are about to finish this chapter with the last topic, that is modem and multimedia application. In this chapter we will learn number of topics or the systems which are connected to the computer. हमने इस chapter में ऐसे ऐसे topics पढ़े हैं जो हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही पता है. सो ये चैप्टर इसलिए बहुत सिंपल है एंड इंटरेस्टिंग है. ओके, सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज मॉडेम एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन. दिस विल फिनिश आवर चैप्टर एंड आई होप अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा सो यू विल आस्क मी थ्रू कमेंट और थ्रू ईमेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडेम. अ मॉडेम इज अ डिवाइस कनेक्टिंग बोथ मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर सर्किट्स. So if you will see the name, you will come to know according to the name only. MO means this is the full form, short form for modulator, and DEM for demodulator. Okay, so modem is a combination of modulator and demodulator, and it is used to convert binary into analog signal to transmit it. Okay, जब हमारा डेटा टेलीफोन लाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र होगा तब हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एनालॉग होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉडेम. सो एक्चुअली कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? बाइनरी. इसलिए बाइनरी टू एनालॉग एंड एनालॉग टू बाइनरी. ओके, ये दोनों डेटा में कन्वर्जन करने के लिए वी आर यूजिंग मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ओके, so we'll see this first, what is modulator does. It is used to convert binary into analog. Means computer pe jab modem connect hai, so first thing what it will do, that is binary data ko analog mein convert karega. Kyun? Kyunki telephone lines mein jab data hume bhejna hai, so it should be in the form of analog. And what demodulator will do? It is used to convert opposite of modulator, that is analog to binary. जब telephone lines से data हमें फिर से computer को transfer करना है, okay, so that time again we need our data in binary format. So you will get according to the structure, see this structure. It's very simple. देखो अभी ये suppose आपका ये सिस्टम वन है और कंप्यूटर वन है एंड दिस इज योर कंप्यूटर टू. ओके, तो हमें डेटा कैसे ट्रांसफर करना है? यूजिंग दिस. तो आप देखो दोनों जगह पे मॉडेम कनेक्टेड है. यहाँ पे जो मॉडेम है ये इसका मॉडेम है एंड दिस इज फॉर पीसी टू. बस उसके कंपनी अलग अलग ऐसा बताया है. सो सी, अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा सेंड करना है थ्रू इंटरनेट, ओके, बिकॉज दोनों का जो लोकेशन है वो क्या है? अलग है. तो आप ये एक बार डायग्राम से समझ लोगे ना, आपके लिए थ्योरी बहुत सिंपल हो जाएगा. सो यू कैन सी कि जब मुझे यहाँ से यहाँ डेटा मीन्स ये पीसी से ये पीसी तक डेटा सेंड करना है, सो पहले जब भी डेटा कंप्यूटर में होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज. मीन्स डिजिटल डेटा होगा हमारा. मीन्स या तो डेटा ज़ीरो होगा या वन होगा. ओके, सो इस 0-1 डेटा को हम डायरेक्टली टेलीफोन लाइंस पे सेंड कर नहीं सकते हैं. ओके, वी कैनॉट सेंड दिस डेटा, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू एनालॉग सिग्नल. इसलिए देखो हमने यहाँ पे मॉडेम यूज़ किया है जिसमें हमारे पीसी से डेटा बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है. बाइनरी का ग्राफ यू विल गेट इट लाइक दिस स्क्वायर पैटर्न. ओके, सो ये हमारा डेटा बाइनरी वाला इसमें गया और यहाँ से उस डेटा को हमने एनालॉग में कन्वर्ट किया. देन वी आर पासिंग थ्रू टेलीफोन लाइंस. टेलीफोन लाइंस पे पास करने के बाद जब दूसरे पीसी के मॉडेम तक वो पहुँचा है तो अगेन दिस मॉडेम विल कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिटल इन 0-1 फॉर्मेट. व्हाई? बिकॉज कंप्यूटर ओनली नोज बाइनरी लैंग्वेज. तो हमें एनालॉग डेटा जैसे ही मिला उस मॉडेम को, अब वो क्या करेगा? कंप्यूटर को भेजने के पहले उस डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मॉडेम. सो विल सी दिस. सी, दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर गिवेन इन योर आर्डिसुपेकर. ओके, सो सी दिस. योर कंप्यूटर वन एंड कंप्यूटर बी
computer A and computer B. You can see, if you want to send data from computer A to B through telephone system or telephone lines, what you have to do? You have to send data first from computer A to modem. What is this? You are doing D to A conversion, digital to analog. Okay, तो यहाँ पे आपका D डेटा सेंड हो रहा है और मॉडम अब उसको कन्वर्ट करेगा D to A को और यहाँ पे एनालॉग सिग्नल मिलेगा. एनालॉग डेटा अब यहाँ पे भी गया तो क्या हो गया, एनालॉग डेटा. यू कैन सी दिस एरो, एनालॉग हुआ. फिर ये मॉडम क्या करेगा, A to D कन्वर्शन करेगा बिकॉज कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल पता है एंड इट विल ट्रांसफर डिजिटल डेटा टू कंप्यूटर B. अगेन कंप्यूटर B वॉन्ट टू सेंड डेटा, देन ये डिजिटल डेटा मॉडम कन्वर्ट करेगा इन A. ओके, देन ओनली वो कन्वर्जन के बाद डेटा क्या हो गया हमारा, एनालॉग. फिर वो ये लाइन सिस्टम में ट्रांसफर होगा और यहाँ पे जो ये एनालॉग सिग्नल मिलेगा, फिर इस एनालॉग सिग्नल को मॉडम कन्वर्ट करेगा D में एंड फाइनली कंप्यूटर A विल गेट डिजिटल डेटा. दिस इज द प्रोसीजर, वेरी सिंपल. ओके, तो ये इसका वर्किंग है. नाउ सी, वट एवर वी सॉ दैट यू हैव टू राइट इन दिस स्टेटमेंट फॉर्मेट दैट हाउ टू ट्रांसफर योर डेटा यूजिंग मॉडेम फ्रॉम कंप्यूटर A टू B. से दिस, द यूजर एट कंप्यूटर A सेंड्स डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट. जस्ट वी सॉ दैट कंप्यूटर A क्या करेगा, अपना डेटा 0-1 के फॉर्मेट में सेंड करेगा. फिर कंप्यूटर A इज मॉड्यूलेटिंग डिजिटल डेटा इन टू एनालॉग फॉर्म यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक. मीन्स मॉडम यूज कर रहा है वो, मे बी बाय एफ एस के टाइप, मीन्स फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग. ये आप इन फ्यूचर पढ़ोगे. Just keep in mind the name, or if you won't write this in exam, then also it will do. That is maybe FSK type. Okay, just you have to write till here that computer A will convert the data into analog format using modulation technique. Okay, फिर modulated signal is within telephone frequency range. It is transmitted over telephone line by selecting a proper dial code. ओके, हर एक का एक डायल कोड रहता है, तो वो डायल कोड सिलेक्ट करके उस लाइन पे ट्रांसफर किया जाता है डेटा. कौन सा डेटा, एनालॉग डेटा. द कंप्यूटर B सिस्टम इज सिलेक्टेड बाय इट्स डायल कोड. तो हमने डायल कोड में क्या सिलेक्ट किया, कंप्यूटर B का डायल कोड सिलेक्ट किया है, तो डेटा कहाँ सेंड होगा, B पे. द मॉडेम ऑफ कंप्यूटर B इज कन्वर्टिंग एनालॉग मॉड्यूलेटेड सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा. मीन्स जो एक्चुअल डेटा था उसमें कन्वर्ट कर दिया, किसने, कंप्यूटर B के मॉडम ने, बाय प्रोसेस ऑफ डी मॉड्यूलेशन. ओके, तो डी मॉड्यूलेशन के प्रोसेस से कंप्यूटर B के मॉडम ने डेटा को कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ 0 and 1, बाइनरी लैंग्वेज. द डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल डिजिटल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ सिस्टम B. तो जो भी डेटा कंप्यूटर A से मिला है वो फिर हमारे स्क्रीन पे, दैट इज कंप्यूटर B के स्क्रीन पे दिखाई देगा, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ मॉडम, हाउ इट इज गेटिंग यूज बाय द कंप्यूटर्स टू कन्वर्ट द डेटा इन टू डिजिटल टू एनालॉग एंड अपोजिट ऑफ दिस. ओके, the technique is known as modulation and demodulation technique. Okay, now the next one, multimedia application. Multimedia we all are knowing. Okay, जो भी हम हमारी पीसी और लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा कनेक्ट करते हैं, ओके, फॉर एनी काइंड ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन और गेमिंग पर्पस, so that is known as multimedia. Okay, different kinds of sound qualities. See this, multimedia is a kit which provides audio mixing with images, graphics and animation. So multimedia means what, kuch aisa creation, kuch aisa kit hai jo ek kuch naya creativity karega laptop mein, hamare system mein. Okay, audio kuch agar hame mix karna hai, means something new.
Okay, so this is known as multimedia, which we all are knowing now very well. कुछ graphics use करने, so we are using graphic card. Sound है तो कुछ नया, कुछ speaker है. Animation के लिए कोई software है. Okay, so this is one kind of kit. Multimedia allows to run audio, video, CDs and storage of this type of digital data with amplification facility and graphical display. ओके तो मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो कन्वर्जन है एनी काइंड ऑफ थिंग इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ओके सो दैट टाइम यू नीड दिस फैसिलिटी ओके इन योर सिस्टम सो दैट टाइम यू हैव टू इंस्टॉल मल्टीमीडिया किट इन योर सिस्टम मल्टीमीडिया हैज़ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस लाइक वीडियो गेम ट्रेनिंग टूल्स एक्सेट्रा ओके लाइक वी आर नाउ using number of applications from Play Store to do the video to do the changes in video okay for recording purpose so these all things are the kind of multimedia tools okay so in this kit first thing is sound card second is CD ROM drive third is standard speaker system and next is microphone these things the basic thing in this kit are this much ओके दिस मच यू नीड इफ यू आर यूजिंग मल्टीमीडिया तो इतना कुछ तो हो सकता है ओके अगर आप एक्स्ट्रा माइक्रोफोन कुछ अटैच कर रहे हो अपने कंप्यूटर में साउंड कार्ड यूज़ कर रहे हो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो ओके रैम इंक्रीज कर रहे हो फॉर वीडियो गेम्स ओके सो दिस इज नोन एज मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस ओके इन दिस यू आर हैविंग दिस मैनी एप्लीकेशंस सो यू कैन add these many things in your system. Now, sound card क्या है? Sound card is a part of multimedia. Its quality depends on the sound creation methods and resolution. And they are 8-bit, 16-bit or 32-bit card. एक sound card होगा जिसको attach करने पर sound quality and resolution ये काफ़ी improve हो जाता है ओके एंड इट मे बी 8-bit 16-bit और 32-bit सो यू कैन थिंक कि अगर 8-bit है उससे बेटर 16 होगा 16 से बेटर 32-bit का कार्ड होगा ओके दिस विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिजोल्यूशन ऑफ साउंड लाइक अगर आप हेडफोन देखोगे ओके बहुत सारे कंपनीज के हैं तो डिफरेंट कंपनीज के जो हेडफोन हैं उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट इफ़ यू विल सी तो अगर हायर कॉस्ट का हमने लिया है तो वो हेडफोन का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होता है मीन्स उसका साउंड क्वालिटी एंड रिजोल्यूशन इज वेरी मच बेटर ओके सो 8-bit आर गुड फॉर सिंपल गेम्स एंड साउंड म्यूजिक फॉर गुड मल्टीमीडिया इट इज 16-bit ओके सो 8 से बेटर 16 है एंड 32-bit कार्ड इज़ यूज फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन यूज़ करना है ओके फॉर एनी काइंड और सपोज यू नीड फॉर अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ओके आपको कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए अगर कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन ही है जिसके लिए 32-bit ही ज़रूरी है दैट टाइम यू नीड 32-bit अदरवाइज 8 और 16-bit इज़ गुड ओके फॉर योर गेम म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस सो साउंड कार्ड क्या प्रोवाइड करता है एंड इंटरफेस विथ पीसी ओके पीसी के साथ पीसी के लिए वो क्या है एक इंटरफेस है साउंड कार्ड ओके सपोर्ट फॉर एफएम एंड साउंड लेवल सो दिस मैनी थिंग्स यू द साउंड कार्ड प्रोवाइड साउंड लेवल भी उससे काफ़ी बेटर हो जाता है जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि साउंड क्रिएशन क्वालिटी चेंज हो जाता है एंड रिजोल्यूशन गेट्स मच बेटर ओके सो दैट्स व्हाई लाइक ग्राफिक कार्ड यूज़ करने से क्या हो जाता है ग्राफिक्स जो गेम के रहते हैं वो बहुत बेटर हो जाते हैं सेम वे साउंड कार्ड कि साउंड कार्ड यूज़ करने से साउंड क्वालिटी एंड रिजोल्यूशन ऑफ द साउंड गेट्स मच बेटर ओके सो दिस इज साउंड कार्ड characteristics so these are the multimedia applications what you have to study in your syllabus actually it is very vast but you are having only this much in your syllabus okay so here we finishes our chapter peripheral devices and I hope you all will do it completely and if you will find any kind of doubt so you please tell me through comment or through email okay
Next, we'll start with different chapter, that is logic gates. Okay. Thank you, class.